हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका टेक्नो पाठशाला में। आज हम सीखेंगे कैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 में। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली सर्वर 2022 लॉन्च किया है। मैंने ऑलरेडी एक विंडोज़ सर्वर 2002 इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करके। अब मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का नाम चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद मुझे अपना पीसी को रीस्टार्ट करना होगा, तो मैं रीस्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। रीस्टार्ट हो गया है, अब मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद मुझे अपने पीसी का आईपी एड्रेस चेंज करना होगा, क्योंकि जब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं उसको एक स्टेटिक आईपी की ज़रूरत होती है। तो मैं सिंपली नेटवर्क राइट क्लिक करूँगा एंड प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद चेंज अडोप्टर सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पर एथरनेट पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा एंड प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगा। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे क्लिक करूँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यूज़ फ्लोइंग आईपी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं एक स्टैटिक आईपी दूँगा जो कि है 10.0.0.1 एंड सबनेट होगा 2.5.255.000 एंड मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 10.0.0.1। फिर मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा एंड क्लोज पे क्लिक करूँगा। क्लोज करने के बाद नेटवर्क कनेक्शन पर क्लोज करूँगा। उसके बाद मैं सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सर्वर मैनेजर पे क्लिक करूँगा। देखिए, मेरे सामने सर्वर मैनेजर ओपन हो गया है। अब मैं सिंपली रोल एंड फीचर पे क्लिक करूँगा। एडी इंस्टॉल करने के लिए हमें एक रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए, मेरा सर्वर और आईपी एड्रेस दिखा रहा है, सर्वर नेम और आईपी एड्रेस दिखा रहा है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक रोल इंस्टॉल करना होगा। मेरा रोल होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। उस पर मैं चेक मार्क पे क्लिक करूँगा एंड सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एंड डीएनएस पे क्लिक करूँगा, क्योंकि अभी हमें डीएनएस से चाहिए होगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली सारी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पर रख के अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर भी देखिए, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर रिस्टार्ट डिस्टेंस पे क्लिक करके अगेन इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद देखिए, मेरा इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है। एडी का रोल मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस पर क्लोज पे क्लिक करूँगा। क्लोज पे क्लिक करने के बाद देखिए, एक मेरे पास एस्केलेशन का मार्क आ रहा है, उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोल पे क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। यहाँ पे तीन ऑप्शन होंगे, तीनों में से लास्ट वाला एड ए न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपना डोमेन का नाम लूँगा जो कि है टेक्नो पाठशाला।
डॉट कॉम एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे तीन और कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें कि है फॉरेस्ट लेवल फंक्शन, डोमेन लेवल फंक्शन एंड डोमेन नेम, सिस्टम सर्वर, ग्लोबल कैटलॉग, उसके बाद है पासवर्ड। तो मैं सिंपली पासवर्ड पे अपना जो मेरा पासवर्ड है डोमेन का वो मैं दूंगा। फिर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ DNS का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा नेट बायोस डोमेन नेम दिखाएगा, जो कि मैं सेम एज इट इज़ रहने दूंगा। और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे को मेरा एडी का पूरा डेटाबेस का दिखा रहा है। ये एक डिफ़ॉल्ट पाथ है, चाहे तो हम इसको कहीं और भी सेव कर सकते हैं, बट अभी मैं सिंपली डिफ़ॉल्ट पे ही रखूँगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा पूरा ओवरव्यू दिखा रहा है, समरी, कि हम क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें देखिए नेट बायोस नेम, डोमेन, टेक्नो पार्ट्स वाला, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल, DNS सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट DNS डेटाबेस का पार्ट। फिर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे कुछ सेटिंग चेक करेगा ये। सेटिंग चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास पूरी समरी आ गई है। अब मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरा एडी का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट एडी इंस्टॉल हो चुका है। अब ये रिस्टार्ट के लिए पूछेगा, तो सिंपली मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा और ये मेरा रिस्टार्ट ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज मेरे सर्वर पे एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं अपने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से इसे लॉगिन करूँगा। आप देख सकते हैं डोमेन नाम आ रहा है मेरा स्क्रीन पे। और मैंने लॉगिन कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर से। लॉगिन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना डोमेन सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी। आपको सिंपली टूल्स पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आप देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए technopartsala.com और इसमें मेरे सारे यूजर्स एंड IU होंगे। तो दोस्तों मेरी एक्टिव डायरेक्टरी फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड एंड इंस्टॉल हो चुकी है मेरे सर्वर में।